नमस्कार मैम, आपका नाम? दर्शनांशा। कितने समय से आप डेरे से जुड़ी हुई हैं? मेरे को 40 साल हो गए, 1980 में जुड़ी थी मैं। आप इतने लंबे समय से डेरे से जुड़ी हुई हैं, एक महिला हैं, आपको क्या लगता है आपका यहाँ आना सेफ है? हाँ, यहाँ तो हमको घर भी नहीं याद आता। यहाँ आके तो हमारा इधर मन लगता है ना, घर जाने को दिल नहीं करता कि हम यहीं पर रहिए। आज भी आपका गुरुजी के प्रति इतना विश्वास है, इसके पीछे क्या कारण है? बहुत ज़्यादा विश्वास है सानू। जो कुछ दिता गुरु जी ने दिया, जो कुछ भी हमारे घर में इतने बच्चे बढ़ गए हमारे, गुरु जी ने ही पढ़ा दे। नहीं हमारे को हमारा घर वाला शराब पीता था, वो भी हट गया था, फिर इसीलिए बच्चे बढ़ गए, नहीं तो बच्चे भी पढ़ने नहीं थे। क्यों शराब पीते थे घर वाला, फिर कहाँ से बच्चे पढ़ने थे। तो क्या आप आगे भी डेरे से जुड़ी रहेंगी? हाँ, हम तो मर्द दम सब मर जाएंगे पर डेरे से जुड़े रहेंगे। आज समाज को गुरुजी की कितनी ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा नशे लोग खाते हैं इन्ने है, पिताजी नशे तो रोकते हैं, किन्ना पिताजी समझाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गुरु जी की यहाँ पे। गुरु जी को समाज में होना चाहिए? होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। आप अपनी वीडियो के माध्यम से क्या संदेश लोगों तक पहुँचाना चाहते हो? हम लोगों को ये कहते हैं कि हम साफ सके यहाँ पे आओ, देखो आके क्या है यहाँ पे, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। पिताजी को तो सब कुछ झूठ बोल रखा है उन्होंने, ऐसे फंसा रखा है गवर्नमेंट ने, कुछ नहीं है यहाँ पे। सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से हम यही अपील करें कि उनको छोड़ दो, मतलब अब यहाँ पे जो नशा लोग करते हैं वो उनको हटाते हैं, नाम देते हैं, तो रुक जाती है दुनिया, नहीं तो और पता नहीं क्या क्या होएगा दुनिया में। जी मैम, धन्यवाद।